वहीं लोकसभा चुनाव में 6 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 5वें चरण की वोटिंग के बाद से ही राजनीतिक दल के नेता जीत के दावे कर रहे हैं। सवाल है कि 6ठे चरण के बाद किसका पलड़ा भारी है। इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो गया है। आप लोग भी 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। ...2024 का चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। फिर एक बार 6 फेज की वोटिंग के बाद जीत के दावों का दौर तेज हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। 7वें चरण के पहले ही कोई 400 पार का नारा लगा रहा है। 4 जून तो कोई 2024 में पूरी तरह चित कर देने की भविष्यवाणी कर रहा है। इस बार देश की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। गृहमंत्री अमित शाह ने तो 5वें चरण के बाद से ही दावा कर दिया है कि मोदी जी 310 पार कर चुके हैं। 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये दावे सिर्फ सत्ता पक्ष की तरफ से ही किए जा रहे हैं। जीत के दावों की दौड़ में विपक्ष भी पीछे नहीं है। पहले चरण से गुस्सा देख रहे हैं, ये 7वें चरण में जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर।